हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वॉच का रिव्यू देख लो और नाम भी यहाँ पे हेलो ही है स्मार्ट वॉच का। क्या कोइंसिडेंस है भाई, वो सब्जी वाले को देख रहे हो? लखपति सब्जी वाला है, टमाटर लेके घूम रहा है। सेंसर्स के एक्यूरेसी की बात करेंगे। हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहन लिया है, स्टेप्स चलते हैं, चेक करते हैं कितनी एक्यूरेसी मिलने वाली है। 1 2 3। हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? अगर आप एक लग्जरी लुक एंड फील की मेटालिक स्ट्रैप के साथ स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉइज ब्रांड ने अपनी नॉइज फिट हेलो स्मार्ट वॉच जो पहले लॉन्च की थी, अब उसका प्लस वर्जन लॉन्च कर दिया है। दैट इज नॉइज फिट हेलो प्लस स्मार्ट वॉच। इसका लॉन्च प्राइस है 4500 रुपीज के आसपास। प्राइसिंग इसके बढ़ के 5000 रुपीज के आसपास हो जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 22 mm के आपको मेटालिक स्ट्रैप मिलने वाले हैं। पूरा आपको सर्कुलर 1.46 इंचेस का इसमें आपको एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। लुक एंड फील काफी प्रीमियम दिया गया है, लेकिन आउटपुट कितना बढ़िया दिया गया है, यूआई कितना स्मूथ है, सेंसर्स कितने बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कितना सही तरीके से वर्क करता है। हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में टेस्टिंग, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते सब देखने के बाद आप डिसाइड कर ही लें कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। So let's get started. शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको नॉइस फिट हेलो प्लस स्मार्ट वॉच का ऐसे आपको बॉक्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास इनके दो एडिशंस हैं, एक यहाँ पर एलीट ब्लैक एडिशन, दूसरा यहाँ पे एलीट सिल्वर एडिशन। जो आपको कलर कॉम्बिनेशन पसंद है अपने हिसाब से आप ग्रैब कर सकते हैं। साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं बॉक्स में, हम आगे डिस्कस करेंगे सारे फीचर्स। बैक साइड में मेंशन, ये प्राउडली डिजाइन इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसको हम करते हैं क्विकली अनबॉक्स। हमेशा की तरह यहाँ पे आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड मिल जाएगा, क्लेम कर सकते हैं। साथ में एक यूजर मैनुअल मिलने वाली है और कुछ आपको एक्स्ट्रा स्टिकर्स मिल जाएंगे ब्रांड की तरफ से, अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपको अच्छी लेंथ की आपको यहाँ पे केबल मिल जाएगी, चार्जिंग केबल टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एक टूल किट दिया गया है, जो स्ट्रैप से उसका आपको साइज एडजस्ट करना है कर सकते हैं। उसका एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रैप्स एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। और फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22 mm के आपको यहाँ पे मेटालिक स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। क्वालिटी काफी बढ़िया मेंटेन की गई है। इसको यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से डिटैच भी कर सकते हैं अगर आपको डिटैच करना हो तो। और वॉच के बैक साइड में आपको मिलने वाला है चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्ट इन आपको स्पीकर मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिलने वाला है। हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और साइड में आपको ऐसे दो मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं और पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं टफ आपको मेटालिक बिल्ड की आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। एंड साइड में आप देख सकते हैं ऐसे आपको यहाँ पे जो मेटालिक विनिश दिया गया है, ये ऐसे रोटेट नहीं करता, सिंपली आपको ऐसी डिजाइनिंग दी गई है। सो मेनली अगर आपको एक लग्जरी लुक एंड फील की मेटालिक स्ट्रैप के साथ राउंड डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको मिलने वाला है 1.46 इंच से आपको एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। व्यूइंग एंगल से यहाँ पे आपको सही मिलने वाला है, इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। और जो साइड में दो बटन दिए गए हैं, ऊपर वाला जो बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यूआई की स्मूथनेस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा यूआई मिल जाएगा, ऐसे आपको लैग फील नहीं होने वाला है, आराम से आप स्मूथ तरीके से वैसे यूआई को यूज कर पाएंगे। और जो नीचे वाला बटन दिया गया है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, यहाँ पे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं। कुछ आपको बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच में, बाकी आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। और अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहन लिया है मैंने और लगभग घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैं 42 स्टेप्स चल के आया था और स्मार्ट वॉच में दिखा रहा था 40 स्टेप्स के आसपास। काफी आपको क्लोज रीडिंग मिलने वाली है, मेनली अगर आप हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे एक्यूरेसी काफी आपको बढ़िया मिल जाएगी। और ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है यहाँ पे नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके फुल मैसेज रीड कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। बट ये इमोजीज डिटेक्ट नहीं करता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है मल्टीपल, यहाँ पे आपको साइलेंट मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। टैप टैप करके ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, आउटर कंडीशन में ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है और एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से इसके आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है। आप सनलाइट में भी यूज करते हैं, विजिबिलिटी आपको प्रॉपर मिल जाएगी, उसको लेकर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। अभी डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट दिया गया है। यहाँ पे बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलने वाला है, टैप टैप करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। जो एक्सीडेंटल टचेस होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है तो यहाँ पे आपको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए ऊपर वाले बटन को आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में तो मल्टीपल सेटिंग्स मिलने वाली है, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, इसको आप जैसे ऑन करेंगे यहाँ से अगर आप पाम टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क करता है, इसको लेके मुझे
मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। रिंगटोन एंड वाइब्रेशन पे आप जाएंगे तो साइलेंट मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए, ऑफ करना है कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में जो रिस्ट अवेक फीचर है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइमिंग तक आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका रिस्ट अवेक फीचर सही तरीके से वर्क करता है, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे बिल्कुल आपको प्रॉम्प्ट डिस्प्ले मिल जाएगा। इसको लेकर मुझे ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं लगा। राइट स्क्रीन टाइम ऑप्शन दिया गया, मिनिमम को 5 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, मैक्सिमम 30 सेकंड्स के बाद यहाँ पे आपको ऑलवेज ब्राइट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो वॉच फेस है हमेशा ऑन रहेगा। इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन काफी बैटरी कंज्यूम करेगा, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेन्यू व्यू में आपको लिस्ट व्यू चाहिए, ग्रिड व्यू चाहिए, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मेन्यू स्टाइल, ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन, अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जैसे ऑन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, पॉइंटेड डायल और डिजिटल डायल। पॉइंटेड डायल में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, डिजिटल डायल में आपको ऐसा लुक एंड फील का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, जो आपको प्रेफरेबल है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, रीबूट, पावर ऑफ, रीसेट, ये सब आपको चीजें मिलने वाली है इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से अगर आप इसमें से स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, मल्टीपल यहाँ पे आपको एक्टिविटीज विजिट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब आपको चीजें मिलने वाली स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करेंगे तो। और जो ऊपर वाला बटन दिया गया उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको नॉइज हेल्थ का ऑप्शन मिलने वाला है, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स चेकआउट कर सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर काफी आपको क्लोज रीडिंग दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में। सेम आपको यहाँ पे हल्की फुल्की कभी कभी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको चेकआउट करना है, आप किस मोड में है, रिलैक्स मोड में है, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो उसको भी आप कैजुअली चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रेस मॉनिटरिंग को भी सेंसर्स काफी आपको क्लोज रीडिंग दिखा देंगे स्मार्ट वॉच के थ्रू भी। और इसमें आपको नॉइज बस का ऑप्शन मिलने वाला है, कॉन्टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा, कॉलिंग कर सकते हैं और किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं। इसमें आपको क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन मिलने वाला है, क्विक रिप्लाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब आप ले लीजिए एक आउटर कंडीशन का ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट। हेलो, हाँ रिक्शा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं भाई, डेली रूटीन, लंच की तैयारी कर रही थी। लंच की तैयारी कर रही हो? ओके यार, यहाँ पे मेरे पास ना अभी नॉइस ब्रांड की तरफ से नॉइस फिट हेलो प्लस स्मार्ट वॉच अभी लॉन्च हुई है तो मैं अभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं ऑफिस के ऊपर अपने टेरिस कंडीशन में स्मार्ट वॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है और लाउडनेस भी एडिकेटेड, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अच्छा, और वॉइस वाइज क्लियर आ रही है, मुझे अच्छे समझ में आ रही है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कॉलिंग को लेके, बैकग्राउंड नॉइस को लेके? यहां नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा बहुत, मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। अच्छा अच्छा, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। और यहाँ पर आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको अलार्म, टाइमर, स्टॉपवॉच, वर्ल्ड क्लॉक, पोमोडोरो का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। वर्कआउट्स का ऑप्शन, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद आप प्ले पॉज कर सकते हैं ट्रैक्स को, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, स्पीकर की लाउडनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू डायरेक्टली, लेकिन इसमें जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया है उसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, सिंपली आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर आपको डिस्प्ले दिखा देगा। साथ ही में आपको कुछ यहाँ पे बिल्ट इन वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, तीन आपको बिल्ट इन वॉच फेसेस मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच में, जो आपको पसंद आए अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली स्मार्ट वॉच में। मेरे हिसाब से इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिसिंग है, वो देना चाहिए था, वो वाली फीचर मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा, और बिल्ट इन गेम्स भी एक दो देते टाइम पास करने के लिए अच्छा रहता, ये दो आपको चीजें मिसिंग मिलने वाली स्मार्ट वॉच में। बाकी इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट फीचर मिलने वाला है, पानी के स्प्लैशेस लग जाए, आपको स्वेट आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को, सही तरीके से ये पानी हल्का फुल्का झेल जाएगी। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज में जितनी आपने एक्टिविटीज की हुई है सेंसर्स पार्ट को लेके, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं स्टेप काउंटिंग को लेके। माई डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, यहाँ पर आप अपडेट्स चेकआउट कर सकते हैं, वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को, मल्टीपल यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे आप बोल सकते हैं क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले, जो आपको यहाँ पे वॉच फेस पसंद है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्रिएट नाउ पे जाएंगे तो मल्टीपल यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स दिए गए हैं आपको, जो टाइम का प्लेसमेंट है कैसा आपको चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्टाइल
डिस्प्ले मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कैमरा से पिक्चर लेनी है, आपके जो फोन में स्टोर है पिक्चर आपकी गैलरी में आपको वॉच फेस की तरह लाने, अपना पिक्चर यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेके, साथ ही में नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन, SMS अलर्ट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन, आपके जितने भी एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में कौन कौन से आपको नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आप सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। कॉल अलर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर, माय अलार्म, गूगल फिट का ऑप्शन, माय कॉन्टैक्ट्स में आप 10 डिफरेंट कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं जो भी आपके फेवरेट दोस्त हैं। क्विक रिप्लाइज में आपको 5 बिल्टिन क्विक रिप्लाइज मिलने वाली, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वेदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, कैमरा शटर का ऑप्शन मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच को अगर आप ऐसे शेक करेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, इसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं जो बिल्टन स्पोर्ट्स मोड्स हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच में, फिर जो 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स है उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कौन से आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस सेटिंग्स में आपको यहाँ पे 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमली यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, एप्लीकेशन हमेशा की तरह यूजफुल है, इसको आप कनेक्ट करेंगे सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे स्मार्ट वॉच के। बैटरी बैकअप की बात करेंगे, सेम आप बोल सकते हैं, अगर आप हैवी यूसेज करते हैं, ब्राइटनेस ज्यादा रखेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे, लगभग आपको 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइन मिलने वाली है। नॉर्मल यूसेज करेंगे, एडिकेट यूसेज करते हैं स्मार्ट वॉच का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो 5 to 6 days के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी। तो मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए टेस्टिंग के साथ, और देखा जाए प्राइस पॉइंट इसका काफी एक तरीके से अच्छा ही रखा गया है, लेकिन जो लुक एंड फील है, बिल्ड क्वालिटी, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। मेनली आपको एक लग्जरी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले के साथ, ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ, मल्टीपल भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। मैंने तब भी आपको सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, आप पे डिसीजन मैटर करता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च नॉइस फिट हेलो प्लस स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।